नमस्ते जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि हेलिक्राइसम का सीड कैसे हमें कलेक्ट करना है। तो जब हम सीड रखना चाहते हैं तो फूलों को फिर प्लांट पे ही रहने देना है और इस तरह से ये फूल फिर ये सूखने लगते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सूख गए हैं, ये हेलिक्राइसम का ये फूल सूख गया है। फिर इस तरह से इसके बीच में सीड होते हैं, ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा गीला फूल है, सूखा फूल लेना है। ये सूख गया है, ये पूरी तरह से सूख गया है। ये इस तरह से ये फूल लेना है और ये छोटे छोटे बीज होते हैं इनमें, ये देखा आपने, ये जो ये सीड ये लगे हुए हैं इनके साथ। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे ये ब्लैक ब्लैक जो ये सीड हैं इसके, ये पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये भी बड़े हल्के जो होते हैं ये उड़ जाते हैं और ये नीचे जो है ये झड़ जाते हैं। ये ऐसी सीड, ये आप देख रहे हैं, ये सीड हैं, ये ब्लैक, ये इस तरह से, ये जैसे मैंने सिनेरेरिया के दिखाए थे ना, तो वो बहुत ही बारीक थे, तो ये थोड़े से बड़े हैं उनसे। तो इस तरह से ये ढेरों सीड निकलते हैं ये, और बिल्कुल वैसा ही है ये, जैसे वो उड़ने वाले ये होते हैं ना हल्के वैसे, और फिर नीचे ये सीड निकलाते हैं ये ब्लैक कलर के, ये ऐसे। तो होप करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह के इनके सीड होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू जी, नमस्ते।